तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल सिस्टम चल रहा है क्योंकि ये बीमारी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, सबको ईद मुबारक। देखे खुशियों का दिन है, आप सब भी मुंह मीठा करें। मैं सिस्टर का भी मुंह मीठा कराता हूँ, देखे वो मीठा करो ईद मुबारक। मुझे भी कहो ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो फ्रेंड देखे सबको ईद मुबारक, आप सब भी मिठाई खाएंगे ले। तो देखे आज ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक। जी पापा। तो देखे फ्रेंड्स ईद का दिन है, तो देखे मिठाई प्लेटों में निकाल ली है इस तरह से, और उसके अलावा दूध रख दिया है। दूध आज हम केकियां बनाएंगे, सोयां शीरकुरमा ठहर कर बनाएंगे थोड़ी देर तक। तो देखिए सुबह सुबह सवैया के लिए दूध उबालने के लिए रख दिया, साथ में चाय रख दी है और साथ में पराठे भी तैयार किए हुए सिस्टर ने। कितने प्यारे देखिए पराठे भी तैयार करके रखे हुए, जो नाश्ता करना चाहे वो फूड को नाश्ता करे, और चने भी बॉयल करके रखे हुए और दूध फेलियों के लिए गर्म करे और साथ में चाय रखी हुई। ठीक। चम्मच भी टेबल स्पून ले लो पापा। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, सबको ईद मुबारक। ये आपकी मीठा मुंह मीठा करे, दिखाओ। ईद मुबारक। तो देखिए फ्रेंड, नर्सरी से दूध लेने वाली साहब, मीठी तो और दूध ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। खीर, शीरखुरमे, रस मलाई, फेनिया, इस तरह की आइटम्स बनती रहेंगी। तो देखिए 8 किलो दूध आया, तो दूध को निकाल लेते यहाँ से। इसमें क्या है स्वीटी? दूध। इसमें भी दूध है? जी जी। राम्स इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पर बॉयल होने के लिए। बिल्कुल नहीं देखती है तो फिसल रही है, सिस्टर ने ये वाली देखी हुई तो हो रही है। नूर दिखाओ। माशाल्लाह। देखिए दूध रखी है, आप सिस्टर चाय रखेंगी साथ, दूध उबल जाएगा, चाय रखेंगी। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम टाइम हो गया है। मीठी ईद हो तो आइसक्रीम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, दिखाओ क्लोज व्यू लो, और एक वेनिला फ्लेवर है। देखिए वेनिला है वाल्स का और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो देखिए मीठी ईद हो और बार बार मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि मिठाई भी खाई है, शीरखुरमा भी खाया है, फेनिया भी खाई है, इसके अलावा कहीं से मीठा भी आया है, फिरनी आई है, बहुत कुछ आया है, पर मीठा फिर भी मीठा ही मीठा है, क्रेविंग है। तो देखिए मैं आपको आज आइसक्रीम खोलने का तरीका भी बताता हूँ, वैसे सब लोग जानते ही होंगे इंशाल्लाह। देखिए ये इसका साइड पे गंदा नहीं हो रहा,
इस तरह से इसके ये दिया गया होता है। कुछ लोग यहाँ से खो रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। आइसक्रीम को ऐसे खोला जाता है, देखें ये ऐसे इसका ट्रेडमार्क है, इसको इस तरह से खोला जाता है। और देखें आप ये आसानी से खुल जाएगी, ये देखें इससे लेकर ही अब इसकी साइडें भी मेरे ख्याल में खोल ली जाती है ना। यस दिखाओ कितनी साफ आइसक्रीम निकल आई है। एक आइसक्रीम ये है वनीला फ्लेवर में और दूसरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो इसको दोनों को इकट्ठे ही डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ टेस्ट ये देंगे हाफ टेस्ट वो दे देंगे, है ना। यस साइड खोल लो ना। सिस्टर नोज एवरीथिंग, है ना। यस एक स्ट्रॉबेरी एक वनीला ले लेते हैं। दिए ना ही ऐसे लग रहा है जैसे मैं बर्थडे केक काटते हैं। प्लेटिंग ले आएंगे सिस्टर, फाइव प्लेटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 करने, 5 4, 5 ये एक्स्ट्रा। ये सबसे पहले इस तरह से मार्किंग कर ले, मार्क का ये होता है फिर आपको पीस करने में आसानी रह जाती है कि 5 5 5 5 है। ये तो ज्यादा हो गया, ये तो 7 हो गए। मार्किंग करेंगे 5 की, 1 2 3 और 5 3 और 4 हो गए, 1 2 3 4 5 ठीक है। अब ठीक है कट कर दूं, कट लॉक कर दिया जाए। सही है ना। Yes. थोड़ा बड़ा है। चलो नसीब की बात है, हर कोई अपने नसीब का खा रहे हैं। 1 2 3 4 5 इसको भी इसी तरह मार्किंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 अब बताओ मैंने किस तरह से आसानी से कर ली। क्या वो क्या आपने क्या वो पीछे वाली जो नहीं है वनीला वाली वो आपने देखी और उसको कॉपी की? पीछे देखो पीछे, सिस्टर नोज। देखिए अब आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से राम से ये कोई गाना भी था ना पहले, दूर का व्यू लियो ना। ये कोई सॉन्ग भी था ना सिस्टर? जी जी आराम से कोई ऐसा था ना। हटो बच्चो सिस्टर के जमाने का। नहीं नहीं सिस्टर के जमाने का नहीं है, ये बहुत पुराना है। देखिए एक पीस जिसका बड़ा डाल रहा हूँ फिर उसको छोटा दे देता हूँ। वैसे फ्रेंड्स मेरी सिस्टर ने ईगल आई पाई है, वो अपनी प्लेट खुद से चूज कर लेती होती है पहले से ही किस में ज्यादा है। ये मुझे लगता है गिरेगा कुछ होगा। ये वो बन गया टूटी फ्रूटी नहीं होती, टू इन वन बन गया। यस यस क्या हो, तुम इतना मुस्कुरा रही हो क्या गम है कि ये ज्यादा प्लेटें तो नहीं बना रहा। सही है? यस यस ये जो आपने किया ना इस तरह दरमियान दरमियान से निकाल निकाल तो क्या हुआ, वो किसी में छोटा किसी में बड़ा, फिर वो उसको बराबर कर दिया। ठीक है ठीक है।
इसका हटा लो, इसमें चमचे लगाओ। चमचे स्पून हरी अप, हैप्पी वन टू, जिसको बच्चों को नहीं सिखाते, थ्री फोर फाइव फाइव। तो देखिए फ्रेंड, ये तो होगी आइसक्रीम पार्टी, और साथ में देखिए सिस्टर ने, ये तो वैसे मैंने सिस्टर ने मंगाए कुरकुरे, सिस्टर के फेवरेट है। कौन से कुरकुरे? क्लोज व्यू लो, ये रेड चिली झटका है, रेड चिली झटका, रेड चिली झटका सुपर पैक का, ये सिस्टर का है। अगेन रेड चिली झटका सिस्टर का, वो लेज भी है ना मसाले वाला। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, आप बोले आप बोले। देखिए लेस मसाला, इसके अलावा लेस फ्रेंच चीज, ये तो मेरा बचपन से फेवरेट है, और सिस्टर का ये फेवरेट है ये वाला, और लेस फ्रेंच चीज, और आजकल एक नया फ्लेवर है और काफी योगर्ट भी है, योगर्ट एंड हर्ब्स, ये वाला और कुछ नहीं है। ठीक है, ये योगर्ट एंड हर्ब है, एंड ये मसाला फ्रेंचीज। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ईद का दिन है आज, खुशियों भरा दिन है, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप भी इंशाल्लाह ईद एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से और मेरी सिस्टर की तरफ से और मेरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से आप सबको एक दफा से फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो, ऐसी ईदें आप हजारों देखे। तो देखिए फ्रेंड, दिन में तो बना था चिकन कढ़ाई, बनाई थी चिकन कढ़ाई, मजेदार सी तैयार की थी, साथ में नान सर्व कर लिए थे। तो हमारी तो रूटीन है इसी तरह होती है, सुबह हमने खाया था, वैसे तो पराठे भी सिस्टर ने तैयार किए थे और उसके साथ ऑमलेट वगैरह, और उसके बाद हमने खाया था मीठी, इधर तो मुंह तो मीठा किया जाता है, तो फेनिया और दूध जो है, फेनिया बनाई थी दूध में, और उसके अलावा चना चाट भी तैयार की थी, उसके अलावा मेरे वालिद साहब ने चिकन कढ़ाई अच्छी सी बनाई थी, उनका दिल था, वो कुकिंग करते हैं, जब उनको हॉलीडे छुट्टी हो तो फिर वो कुकिंग करना पसंद करते हैं, वो कुकिंग उनकी भी पसंदीदा है जिस तरह मेरी और मेरी सिस्टर की है। तो उन्होंने चिकन कढ़ाई सबके लिए बनाई थी, हम सब ने खूब इंजॉय की, बहुत मजेदार बनी थी, तो थैंक्स फॉर डैट कढ़ाई। तो देखें अब होगी है शाम, होगी है गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो देखें अब हम अपने लिए बना रहे हैं कीमा, कीमा बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छा सा। आज राइस भी बनाने थे पर राइस खाने का अभी किसी का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं से राइस आ भी गए थे अच्छे से, तो गेस्ट आए थे तो वो लाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइस आज कोई भी दिखा रहा, कीमा बना रहे हैं, कीमा आलू बनाएंगे अच्छा सा तैयार करेंगे, और साथ में रोटियां बना लेंगे या फिर नान मंगा लेंगे, इस तरह कर लेंगे। देखें कीमा बनाने के लिए, कीमा फ्रोजन ही आता है हमारे घर में, फ्रीज है, तो कीमा बनाने के लिए मैंने पानी डाल लिया पैन में, पानी हो रहा है हीट अप, और उसके अलावा चना चाट बनाने के लिए चने उबाल के रखे हुए थे, तो अभी फिर से ये सारे कह रहे हैं कि चना चाट दोबारा बनाओ, तो देखिए इंस्टेंट बना रहे हैं, चने तो उबले हुए हैं, अब आलू उबालने के लिए पानी रखा है, पानी रखा है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंट हमने आलू को कैसे खिलाना है, खास करें आपके पास चने उबले हुए हैं और आपके घर गेस्ट आ गए तो इसको काट लेंगे, और आपने झटपट जो है झटपट से आलू को कुक करना है। अब इतना बड़ा आलू तो टाइम लेगा, या तो आप इसे कुकर में डाल सकते हैं, या फिर सिस्टर सही कह रही है, बिल्कुल वो एक्सपर्ट है, उन्होंने ही मुझे बताया है कि इसको काट लें इस तरह से, देखिए इस तरह से टुकड़ों में काट लें, तो आपके आलू जल्दी से गल जाएंगे। चने हमने उबाल के रखे हैं, तो आलू बस गलाना है झटपट से, देखिए
अब आलू को डाल देंगे इधर पैन में। आलू में चाहे आप कलर भी डाल सकते हैं, पर वो काले चने की चाट में होता है, जर्द कलर डाल लें। इस तरह से आलू डाल के और थोड़ा सा साथ में नमक डाल देंगे। नमक इसलिए कि हमारे आलू में भी टेस्ट चला जाए अच्छा सा, नमकीन हो जाए आलू। और आलूओं को दोबारा से कवर अप कर लेंगे चाट के लिए। वापिस आते हैं कीमे की तरफ। तो देखिए सिस्टर ने लहसुन छील दिया, थैंक यू सिस्टर। प्याज भी छील दिया सिस्टर ने, और अदरक तो पहले की पड़ी थी। तो देखिए कीमा बना लेते हैं, फ्रोजन कीमा आता है। पहले कीमे को निकाल लेते हैं पैकेट से। इस तरह से देखिए हमारे घर में फ्रोजन ही आता है, फ्रीज कर लेते हैं। गट्ठा मीट आता है उसको फ्रीज कर लेते हैं। देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स आप भी जरूर कमेंट्स करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। काशिप सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। उसके अलावा आप जरूर बताएं हमें कमेंट्स करके कि आपने ईद पे ईद आपकी कैसी गुजरी और आपने ईद पे क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें। लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई भी होगी, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर भी करें। तो देखिए इतना कीमा डाल लेते हैं, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। इस तरह से बीफ का कीमा है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा डाला है। बीफ को पकाना जरूरी होता है, चाहे तो पानी थोड़ा सा कम कर दूं, है ना, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा यही रख लो ना, तो बाद में डाल लेना। कौन सा ये कोई उसका पानी डाल देंगे। तो देखें इतना कीमा बहुत है, देख लो आप साफ साफ कर लो, देख लेते हैं। बहुत है, बहुत है। तो कीमा डाल दी है, ये वाला पैकेट रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम थोड़े से ही फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर इतना हमें इतना भी ज्यादा है। तो देखें आप इसमें डाल लेते हैं लहसुन और प्याज। सबसे पहले लहसुन डाल लेते हैं, ये देखें सिस्टर ने कितना अच्छा चॉप करके लहसुन रखा हुआ है। लहसुन डाल दूंगा इस तरह से, और प्याज को छील लेता हूँ, छीला हुआ है प्याज काट लेता हूँ, चॉप कर लेता हूँ। देखिए प्याज डाल लेते इस तरह से, और ये अदरक पिसी हुई है ये डाल लेंगे, ये थोड़ी है थोड़ी सी और डालेंगे। अदरक डालने के बाद दो टमाटरों को ब्लांच कर लेंगे इस तरह से। टमाटर कीमे में हो तो टेस्ट अच्छा आता है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट से टमाटर ले लेंगे दो, और इनको इनके छिलके को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि कीमे में टमाटर का फ्रेंड छिलका थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। अब मिलेगा ये नो बस ये कवर अप कर देना, खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स टमाटर का छिलका जरूर उतार लिया करें, एक तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, एक खाने में भी बुरा लगता है, किसी के मुंह में आएगा तो वो जाहिर बात है इसको निकालेगा, और आपकी जो डिश होती है उसको भी प्रेजेंटेबल नहीं करता, प्रेजेंटेशन उसकी खराब कर देता है। थोड़ा टमाटर का छिलका दिखे तो जाहिर बात है डिश अच्छी लगती है। क्यों सिस्टर? यस यस।
इसको हम उबाल के भी उतार सकते हैं छिलका। हाँ थोड़ा सा उबाल लेंगे, जैसे पानी रखा हुआ है इसमें डालेंगे, इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा तो निकाल लें। या फिर एक और तरीका भी है, अगर आप इसको चूल्हे पे इसी तरह आग पे थोड़ा सा सेकेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट होके उतर जाएगा। पर इस तरह से पील करना भी ठीक है, अभी ये लगता है पर ठीक है, अगर आपकी नाइफ शार्प होगी तो फिर इस तरह से भी उतर जाएगा, अगर नाइफ शार्प नहीं होगी तो फिर इस तरह से नहीं उतरेगा। या फिर टमाटर बहुत सॉफ्ट होगा उसका भी नहीं उतरेगा। टमाटर देखिए हमारा थोड़ा अच्छा पका हुआ है पर अंदर से जानदार है, सॉफ्ट है, फ्रेश है। फ्रेश टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाता है, देखिए कितना प्यारा छिलका उतर गया इसका। अगर टमाटर पिलपिला होता तो उसका छिलका कभी भी न जाता बल्कि सारा वो जूस निकल जाता, सही है? यस यस। तो देखिए अभी इस तरह मोटा मोटा टमाटर को काट लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हरी मिर्चे, देखिए हरी मिर्चे दो किस्म की है, एक लंबी वाली है और एक इस तरह मोटी वाली है। टमाटर और हरी मिर्चे चॉप करनी है, ये डाल देते हैं इस तरह से। इसको पूरे को डस्टबिन कर देते हैं, वेस्टेज को फेंक देते हैं डस्टबिन में इस तरह से। और अब डाल अब बारी आ गई मसालों की, इस तरफ से आ गए। अब डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ये वाला थोड़ा तेज है और हमने ब्लैक पेपर भी डाल दी है इसलिए थोड़ा डालेंगे। इसके अलावा डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी फ्रेंड्स, हल्दी एंटीबायोटिक है, इसका जरूर यूज किया कीजिए खाना में, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर अंदर कोई जख्म है तो उसको ये भर देते हैं। तो देखिए सॉल्ट, सॉल्ट अभी भी डाल सकते हैं और बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर काम हो। और उसके अलावा डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा सफेद जीरा इस तरह पे डाल देंगे, चाहे तो आप कूट के डाल दें, ऐसे कूट के डालना चाहिए था या पीस के, पर हम गरम मसाला डाल रहे हैं इसीलिए कोई जरूरत नहीं होती। थोड़े से स्पाइसेस फ्रेंड्स हमेशा थोड़े थोड़े यूज करें, जस्ट फॉर खुशबू और टेस्ट। बहुत ज्यादा बार बार के डालेंगे तो आपका अंदर से मैदा जल जाएगा या फिर कोई और आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए स्पाइसेस हमेशा थोड़े थोड़े यूज किए जाते हैं, उसी से उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। क्या चाहिए? काली मिर्च, सूखा काली मिर्च, सही काली मिर्च भी चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा सूखा धनिया भी पीसा हुआ अवेलेबल नहीं है, पीसेंगे इंशाल्लाह जल्दी, तो आपसे भी वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं मसाले पीस के रखता हूँ। तो देखिए अभी झटपट से ये मसाला पीस लेते हैं और डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर है किसी उसमें पड़ी है थोड़ी सी, ये नहीं है भाई, ये है भाई, आपने पीस के रख दी? नहीं नहीं अच्छा पहले अच्छा हमारे लिए तो बहुत है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ज्यादा भी ब्लैक पेपर नहीं डाली जाती, इससे कड़वा पानी आ जाता है किसी भी चीज में। तो ब्लैक पेपर की फ्रेंड की एक ट्रिक है, ब्लैक पेपर थोड़ी डाली जाती है, इससे इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर किसी चीज में डाल देंगे तो वो चीज कड़वी हो जाती है इस तरह से। और सूखे धनिये को कूट लेते, मोटा मोटा सा कूट लेंगे। Thank you.
देखें मेरे चैनल पर काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर पहले भी कीमे की रेसिपी है जिसमें बीफ का कीमा भी है, उसके अलावा मटन का कीमा भी है और उसके अलावा चिकन का कीमा भी है। शायद उसकी भी रेसिपी चिकन कीमे की है रेसिपी। तो देखें अब ये डाल लेते हैं सूखा धनिया। मटन और बीफ की दोनों की रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप जरूर चेक करें, वो रेसिपीज इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। तो देखें ये सब कुछ डालने के बाद अब कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसमें। देखिए ये हमारे पास कनोला कुकिंग ऑयल है, तो ये डाल देते हैं इस तरह से। चम्मच कहाँ पे गया? ये पीछे था। मिले? तो देखिए फ्रेंड्स आप डाल देते हैं, नहीं घी में बनाऊंगा यार, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाऊंगा, घी से टेस्ट अच्छा है। घी में कल भी कीमा मैंने बनाया था, मैं सोच रहा था घी में बनाऊंगा, तो मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्या होगा, शायद याद नहीं रहा। तो देखिए घी डाल लेते हैं, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स खानों में। अगर अक्सर आप देखें देगो वाले घी में खाने तैयार करते हैं, उसकी क्या वजह होती है देगे वगैरह, ये वजह होती है कि खाने का टेस्ट इससे दोबारा हो जाता है इस तरह से। तकरीबन 2 फुल स्कूप और 1 आधा स्कूप, बाद में अगर चेक करेंगे काम होगा तो। इस तरह से डालने के बाद इस सब चीजों को इस तरह से मिक्स कर देंगे और कीमे को इस तरह से खोल देते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो सॉफ्ट हुआ है दिखाओ, कीमा खोलना जरूरी होता है, इस तरह से कीमे को खोल देंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए किस तरह से हमारा कीमा फ्रीज था, अब डिफ्रॉस्ट होता जा रहा है और बीच में खुलता जा रहा है। देखिए ये डलियां हमने जरूर तोड़नी है, अगर इन डलियों को तोड़ेंगे नहीं तो ये फिर और सख्त हो जाएगी, जैसे कोफ्ता टाइट हो जाता है इस तरह ये टाइट हो जाएगी और ये खुलेंगी नहीं। तो फ्रेंड्स अब वक्त है इसको कवर करते हैं और तकरीबन इसको पकाते हैं, क्योंकि ये बीफ मिन्स है तो इसको टाइम टेकिंग है, इसको हम बनाएंगे 25 to 30 मिनट, इसको कवर करके बनाते हैं और फिर ये खुश्क होगा तो इसको भूनेंगे कीमे को और फिर इसमें आलू डालेंगे। तो इस तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ देखें चाट भी बस तैयार हो रही है, आलू उबल रहे। तो देखें फ्रेंड्स कीमा हमारा अच्छे से बीफ का गल चुका है, देखें कितना प्यारा गल चुका है। तो बीफ के कीमे को जरूर गलाना चाहिए, अगर आप गलाएंगे नहीं तो इसी तरह खा लेंगे तो पेट पे दर्द पड़ जाता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखें बीफ की, तो देखें इस तरह से कीमे को खोल लेंगे। जब भी फ्रोजन मीट हो, फ्रोजन कीमा हो, फ्रोजन मीन्स हो, तो चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो बीफ का हो, चाहे वो मटन का हो, उसको कीमे को बकरे का हो, गोश्त या बकरे का कीमा हो, कोई भी कीमा हो उसको खोल लें। अगर उसको खोलेंगे नहीं तो ये जो इसकी ये होती है डलियां सी, ये और मजीद सॉफ्ट हो जाएंगी भुनने के बाद और फिर वो कीमा खाने में अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। कीमे का मतलब ये दाना दाना मिले, जैसे दाना दाना खुल के आए, इस तरह से जब भी फ्रोजन कीमा हो तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से खोल लें इस तरह से। देखिए तो जब तक कीमा पानी सूखता है बनाई पे आता है। देखिए मैंने 2 आलू छील लिए हैं, तो कीमे में आलू भी अच्छे लगते हैं, मटर भी अच्छे लगते हैं, मटर तो इस सीजन में हमने माशाल्लाह बहुत खाए हैं, तो आज आलू डालेंगे बस। हालांकि मटर है फ्रिज में पर सिस्टर कहती है आज मटर ना डालना, मुझे मटर पसंद नहीं है। तो देखिए एक चीज ज्यादा भी खा लो ना फ्रेंड्स फिर वो इंसान को अच्छी नहीं लगती, आज सिर्फ आलू डाल लेंगे इस तरह से। आलू भी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कीमे में, कीमा सूखा अच्छा नहीं लगता, कीमे में हमेशा आलू थोड़े से अच्छे लगते हैं, मजा आता है। और थोड़ा सा ना थोड़ा सा कीमा बहुत टाइट भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पतला हो तो अच्छा लगता है, ऐसे लगा तो गुजरा है। तो देखिए इस तरह से
थोड़े से आलू इस तरह से डालेंगे। और डालूं आलू के बस? जी ठीक है, बहुत है बहुत है जी। ये भी डाल दो ना। ये भी डाल दो जी जी। इसका तो इसी का ही पूछ रहा था। अच्छा। कि और डालूं के ज्यादा हो गया। अच्छा मैं समझी, एक और ले आ। देखिए आलू छील लीजिए और देखिए इसमें मैं हमारा कीमा भी अच्छे से बनाई थी आ चुका है। देखिए किस तरह सब खुला खुला कीमा है, दाना दाना लागे, देखिए फ्रोजन है अला के, फिर भी ये किस तरह से अच्छे से खुल गया। अब कीमे की मीट कोई सा भी हो फ्रेंड्स, उसकी भुनाई बेहद जरूरी होती है, चाहे वो व्हाइट मीट हो चाहे वो रेड मीट हो। देखिए इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। अगर भुनाई नहीं करेंगे तो इसका एक टेस्ट सा आता है, कच्चा सा आता है, तो भुनाई बहुत जरूरी है मीट की। इस तरह से कीमे को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी जो है हांडी में जरूर घी से हांडी पकाएं, तो देखें आप टेस्ट उसका कितना दोबाला होता है। अक्सर आप होटलों के या फिर शादी वगैरह के खाने खाते हैं उसमें कौरमे में, चिकन कौरमे, मटन कौरमे में वो जो है वो घी का यूज करते हैं। घी से देखिए एक तो रंगत कितनी खूबसूरत आती है खाने की और ऊपर से इसका टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी घी में पैक कीमा कितने अच्छे से कीमा हमारा भून रहा है। किसी भी गोश में हीट नहीं आने रही है, वो आए ना वो फिर उन्होंने खाया था वो नहीं खाया। अगर इसकी भुनाई नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे डायरेक्ट आलू और फिर पानी डाल के तैयार कर देंगे तो वो कीमा खाया जाएगा, वो मुंह पाएगा, एक हीट सी होती है उसकी। इसी तरह चिकन भी, चिकन भी बिल्कुल इसी तरह। कहा ना मैंने व्हाइट मीट और रेड मीट दोनों को भूनना पड़ता है, अगर भूनेंगे नहीं तो वो कभी टेस्टफुल नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग तो टेस्टफुल नहीं होता। बाकी का पता नहीं। इसी तरह से कीमा कितना इसका तैयार हो गया। बस इसी तरह से भी आप चाहे कोई यहीं पे स्टॉप कर दे, अगर आलू में डाल दें आलू डाल के भी भून लो ना जरा, वो भूलूंगा ना थोड़ा कीमा भूल। देखे कीमा भूल चुका है, अब सिस्टर की बात मानते हैं और इसमें डाल के आलू और आलू की भी भुनाई कर लेंगे। इस तरह से आलू भी भूनना जरूरी है, आलू भी कच्चा हो तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। देखिए आलू की भुनाई कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। और इसका फ्लेम थोड़ा लो करते हैं, इससे मैं गर्म पानी रखता हूँ इसमें डालने के लिए आलू बनाने के लिए। गर्म पानी डालोगे ना तो कंटिन्यू रहेगी आपकी कुकिंग, पता है? हाँ, कुकिंग टाइमिंग जो है वो स्लो नहीं होगी, यानी कि उसमें गर्म पानी जाएगा तो हर चीज एकदम से ठंडी हो जाएगी, कीमा ठंडा होगा और मसाले लादा हो जाते हैं ठंडा पानी डालने से। अच्छा खा के आये हो बेटा। देखिए इस तरह से कीमे को भून लेंगे, तो देखिए सिस्टर बिल्कुल सही बता रही थी, ये ओरिजिनल बात बता रही है, वो सीक्रेट है ये होटल्स वगैरह की, बड़े रेस्टोरेंट की, कि वो हमेशा हांडी में गर्म पानी का यूज करते हैं। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे टैप से फौरन डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो जो कुकिंग टाइमिंग है वो सब बैठ जाएगी, इसका टेम्परेचर हमारी सारी हांडी का बैठ जाएगा,
और फिर से टेम्परेचर एक डेवलप होगा, तब तक हर चीज बेकार हो जाएगी, उसका कोई मजा नहीं रहेगा और टेस्ट पे भी फर्क आएगा, उसके अलावा मसाला भी सारा बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कुकिंग टाइमिंग इफेक्ट नहीं होगा, एकदम से आलू भी पक जाएंगे और कीमा भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसका हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया, बस इंतजार है कि पानी गर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा पहले भून लिया, फिर आलू भी भून लिए। अब इसमें देखिए ये गरम पानी डाल लेते हैं, ये जो हॉट वाटर है, देखिए इस तरह से गरम पानी होना चाहिए, इस तरह से इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमें थोड़ा सा ग्रेवी भी मिल जाए। ये पानी परफेक्ट है, इतना ही पानी हमें चाहिए था। अभी इस सब को मिक्स करेंगे, देखिए कुकिंग टाइमिंग कोई भी मसाला नहीं खराब हुआ, मसाला भी खराब नहीं हुआ और एकदम सारा कुकिंग टाइमिंग बैठ जाता और फिर से शुरू होता, फिर से स्टार्ट होता। तो अब इसको देखिए थोड़ा चूल्हा में सीधा कर लेता हूँ, हांडी सीधी कर लेता हूँ, चूल्हे पे से लग रहा है टेढ़ी है। अब इसको फ्रेंड्स कवर अप करेंगे तब तक जब तक हमारे आलू गल जाए और हमें एक अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए। और आलू की भी एक टिप दूंगा फ्रेंड, आलू कभी भी तेज आंच पे जिस तरह तेज आंच है इस तरह नहीं गलते, आलू हमेशा स्लो फ्लेम पे, इस तरह पानी सूख जाएगा लेकिन आलू नहीं गलता, आलू नहीं गलता बिल्कुल। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो देखिए फ्रेंड्स सैलड बना लेते हैं, सैलड भी अच्छा लगता है साहब, तो सैलड आप भी जरूर खाया करें, सैलड सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सैलड को स्किप ना किया करें। सैलड एक अच्छी जो है ये गजा है या फिर आप कहें ये डिश है, कुछ भी कहें, साइड डिश के तौर पे रखा जाता है इसे। तो फायदा बताओ सिस्टर सैलड का फ्रेंड्स को। सैलड बहुत अच्छी होती है, सैलड में एक टमाटर डाल जाए, एक प्याज, और सैलड डाइटिंग वालों के लिए बेस्ट है। डाइटिंग वालों के लिए डाइटिंग पर नहीं भी कर रहे तो वो होता है ना, अच्छी हाजमे के लिए अच्छी आप खा सकते हो। खीरा अच्छा होता है, खीरा जो है बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो खीरा जरूर खाया करें फ्रेंड्स, खीरा एक डिटॉक्सिड चीज है, यानी कि ये आपके जिस्म में से गंदे मादे निकाल देता है पानी के जरिए, तो इसको इसका जरूर यूज किया करें, खसूसी तौर पर गर्मियों में जरूर करें, खीरा ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये डिटॉक्सिड वाटर के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये आपके डिटॉक्स कहते हैं, बॉडी डिटॉक्स यानी कि ये जिस्म से गंदे मादे निकाल के बाहर जाएंगे। देखिए खीरे काट लिए, खीरे काटे नहीं है, छील लिए, काटेंगे देखिए इस तरह से, सारे कूड़े को पहले डाल देते हैं बिन में, इस तरह से, और फिर ले लेंगे अपनी फेवरेट नाइफ और इसमें सबसे पहले प्याज भी चाहिए, इसमें वो टिक्कियां डाल के थोड़ा ठंडा, नहीं नहीं टिक्कियां नहीं डालूंगा, बस वैसे सैलेड बनाऊंगा बारीक सा नहीं, अच्छा अच्छा, ऑयल डाल के, ओके ओके, टिक्कियां डाल के कौन सा होता है, अच्छा वो भी होता है वो जो, हाँ समझ गया, वो बहुत अच्छा होता है, उससे ये चीजें ठंडा ठंडा सैलेड साफ किया जाता है, चीजें और ऐसे सख्त सी क्रंची हो जाती, क्रंची करने के लिए बर्फ की टिक्कियां डाली जाती है सैलेड को क्रंची करने के लिए, है ना, यस। प्याज भी छील लिया, एक टमाटर लिया, दो लेमन लिया, सबसे पहले खीरे को काट लेते हैं, इस तरह से, इस खीरे में बीज ज्यादा होते हैं, ये इस तरह से नहीं कटता ज्यादातर, दूसरी तरह से कटता है, ये पता है गोल गोल, इस तरह से स्लाइसेस में, जिस खीरे में बीज हो ना उसको इस तरह से नहीं काटा जाता सीधे,
तरह से। देखो ये मैं आपको स्लाइस में काट के दिखाऊंगा कितना अच्छा कटता है। बीच स्लाइसेस में अच्छे कटते हैं। देखा को बीच खुला नहीं, इस तरह काटो तो बीच खुल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह सारे खीरे काट लेंगे, फिर प्याज काटेंगे बीच में बारीक बारीक उस तरह से। और मैं दिखाता हूँ आपको चीना भी हमारा डन हो गया साथ में। आलू अच्छे से गल गए और इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही रखेंगे, बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे। देखिए आलू किस तरह कितने अच्छे से डन हो गया स्लो फ्लेम पे। तो कीमा हमारा डन है, इसका फ्लेम करते हैं और सैलेड बना लेते हैं। और नान, नान भी है। मेहंदी, मेहंदी दिखाओ, चूड़िया, बैंगल्स आगे पापा की रोटी। वाओ मंदिर जी सैलेड का किलो। ये गिर गया। और देखिए कीमा भी डालें, कितना कितना अच्छा शोरबे बना। कुछ तो सर्व कर दिए गए घर वालों को और कुछ मैं सर्व कर रहा हूँ, सिस्टर ने भी कर दिया। देखिए इस तरह से सर्व किया जाएगा, सारी आलू डाल दिए ना, कुछ कीमा ना हो और कुछ शोरबे। तो फ्रेंड देखिए सैलेड है, कीमा है और नान है और साथ में कोक है। एक मिनट